बैक टू आर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो जो हमारी 20,000 एमसीक्यूज की सीरीज़ है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है, इसमें भी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ ओबीजी और आपका पीडियाट्रिक वाला सेक्शन है जो कवर किया जाएगा। तो आज ऑलरेडी 16 जनवरी है जो हो चुकी है आपका, जिनका भी यूपी में एग्ज़ाम है 18 से 20 जनवरी के बीच में आपका पेपर होने वाला है। तो जो भी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पुराने पेपर्स के थ्रू देख सकते हैं कि आपको पहले क्या क्या है, जो किस तरीके का पैटर्न रहा है, क्योंकि वही सेम पैटर्न ANM वालों में फॉलो हुआ है जिन्होंने पहले ANM का पेपर दिया, इस बार पेपर दिया, पैटर्न वही सेम फॉलो हुआ है। और आप लोग ANM वाले पेपर्स भी देख के जाएँ, जो लोग स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो ANM का पेपर हुआ था यूपी में उसमें थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट आए थे, तो हो सकता है उनमें से आपको 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, मे बी GK का सेक्शन रिपीट हो जाए, फिर रीजनिंग रिपीट हो जाए, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाएं। 3 पेपर में से एक पेपर मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, मे बी कल मॉर्निंग में 3ों पेपर्स जो कि अभी रिसेंट में इसी महीने में हुए थे तो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे ANM के यूपी के। ये अभी हम यूपी की बात कर रहे थे, अब आते हैं राजस्थान CHO पर, उनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो उनके लिए भी आपको जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, आप कहीं से भी पढ़ते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक्स से, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं जो स्पेशली राजस्थान की बात करें तो पेपर थोड़ा ईजी आता है यदि हम लास्ट 2-3 ईयर्स से देखते आएँ तो। और अभी अपकमिंग टाइम में MP NHM में भी एग्ज़ाम होने वाला है, MP CHO में वैकेंसी आएंगी, बट कब तक आएंगी अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी अपकमिंग 2 दिन बाद है जो यूपी वालों का पेपर है स्टाफ नर्स का, तो यहाँ पर इस बार भी वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो पिछले 2 साल से फॉलो होते आ रहा है, 21-22 से 2021-2022 से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है स्टाफ नर्स के लिए, इस बार भी वही सेम पैटर्न है कि 8-8 नंबर के नर्सिंग के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, टोटल 10 उसमें, तो मतलब 80% आपकी नर्सिंग होगी, 20% आपको अदर सब्जेक्ट होंगे जिसमें GK GS रीजनिंग वगैरह कंप्यूटर आपको ऐड किया जाएगा। जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग यदि फर्स्ट टाइम यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आप लोग एक बार यूपी के पुराने पेपर्स को ज़रूर फॉलो कर लें, आपको कहीं से भी अरेंज हो जाए। यदि आप मेरे थ्रू लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं, और आपको यदि कहीं और से अवेलेबल होते हैं तो भी आप उन पेपर्स को एक बार जरूर जरूर रीड आउट करके जाना, एक बार तो ज़रूर देख के आप जाना कि आपको OBG कैसी आती, कम्युनिटी कैसी आती, फंडामेंटल कितना आता है, क्योंकि जब हम स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको फंडामेंटल MSN सब कुछ आता है, लेकिन जब आप CHO का पेपर दे रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल थोड़ी कम आती है बट कम आती है। तो यहाँ पर भी इस बार भी वही सेम पैटर्न फॉलो होना है, वही सेम सिलेबस है, मिडवाइफरी OBG 8 नंबर की है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 8 नंबर का है, फंडामेंटल 8 नंबर का है, MSN भी 8 नंबर की है, हेल्थ एजुकेशन एनवायरमेंट भी 8 नंबर का है। और यही सब टॉपिक मैं बता दूँ जो MP का पेपर दे रहे हैं उनमें भी इसी टाइप के टॉपिक आपको फॉलो किए जाते हैं, तो सभी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू करवाई जाती रही और आप लोग आगे भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है हमारे हर एक एग्जाम में आया हुआ है वो है यहाँ पर, विच अमंग दी फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन प्री मेच्योर चिल्ड्रन ड्यू टू द एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई। जो प्री मेच्योर इन्फेंट होते हैं, प्री मेच्योर का मतलब है जो 37 वीक के पहले डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जितने भी 36 वीक में हुए या फिर 35 में हुए उनको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जनरली जो 31 वीक के पहले होते हैं उनको पड़ती है इसकी ज़रूरत ऑक्सीजन सप्लाई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा कि जो प्री मेच्योर इन्फेंट है, क्या है जो प्री मेच्योर बेबी हुआ है यहाँ पर, तो उसमें यदि आपने लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई की तो उसको क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, रेटिनोपैथी, ऑप्थेल्मिया न्योनेट्रम, या फिर ब्लाइंडनेस, या फिर ज़ीरोप्थेल्मिया, तो क्या है जो बच्चे में डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। जिन भी बच्चों में लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है उनमें फाइब्रोप्लास्टिया न्योनेट्रम या फिर हमें कह सकते हैं रेटिनोपैथी है जो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं,
क्या रहेंगे, रेटिनोपैथी डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेटिनोपैथी। अभी रेटिनोपैथी क्या है, जो बच्चे हैं कहते हैं कि बच्चे जब होते हैं आपको लगेगा कि वो आपको देख के हंस रहे हैं, स्पेशली 1 मंथ 2 मंथ के बच्चे, बट ऐसा नहीं होता, वो अपने में ही मस्त रह के स्माइल कर देते हैं क्योंकि उनको उतना दूर का नहीं दिखता है। लेकिन यदि बच्चा जब होने के यदि कंप्लीट टर्म में भी हुआ है और उसको उतना प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, तो जब मान लीजिए बच्चा यदि प्रीमेच्योर हो गया, आपने उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई, तो उसकी जो छोटी छोटी टिनी जो भी आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स है बैक में, तो क्या होंगी उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। वहाँ पर ऑक्सीजन के कारण जो आरओपी है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, एक आई डिसऑर्डर है, जब यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या होगी और ज़्यादा एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो होंगी। जब ये ब्लड वेसल्स ग्रो होंगी क्या होगा, बच्चे को स्पेशली ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन रीज़न प्रीमेच्योरिटी ही होता है, और जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ दो तो कुछ ना कुछ घाटा तो लगेगा ही। तो यहाँ पर होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया या फिर रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी या फिर टेरी सिंड्रोम, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। यदि टेरी सिंड्रोम पूछ लें तो बेबीज़ में ऑक्सीजन सप्लाई के कारण होने वाली प्रॉब्लम है प्रीटम बेबीज़ में, या फिर आपको टेरी सिंड्रोम की जगह रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी पूछ लें, या फिर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया, तीनों हो एक ही चीज़ है, होंगे कब, यदि प्रीमेच्योर बेबी में आपने ऑक्सीजन की सप्लाई तो करनी ही करनी होती है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जो चीज़ निकल के आएगी वो होगी रेटिनोपैथी। फिर आता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, तो जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, क्या है कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो आपने 5 क्लीन प्रैक्टिस पढ़ी है वो इसी को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए। वो जनरली यदि माँ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, निसीरिया गोनोरिया है, तो बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के। तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम क्या है, न्यूबॉर्न के लिए होने वाली कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ पर चारों और ज़ेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस, जो आँखों में कॉर्नियल एरिया है वहाँ पर क्या होना, ड्राइनेस होना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज मोर देन, लेबर को प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब कहा जाएगा, जब कंबाइंड मतलब पहले और दूसरी स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कितने से ज़्यादा हो जाए, 10 आवर 2 आवर 18 आवर या फिर 16 आवर, 10 घंटे 2 घंटे 18 घंटे या फिर 16 घंटे। तो जनरली जो नॉर्मल जो प्रीमी मदर होती है और मल्टी होती है, उनमें ड्यूरेशन में डिफरेंट होता है। प्रीमी में क्या होगा, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन आने हैं, सर्विक्स डायलेट होनी है, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन यदि मल्टी है मतलब एक बार से ज़्यादा बार डिलीवरी होना है तो जल्दी हो जाती है डिलीवरी, तो वही केस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होगा जब पहली स्टेज का मतलब पूरा सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक जो सर्विक्स डायलेट है वो, और दूसरी स्टेज मतलब बच्चे का एक्सपल्सन होना, बेबी का एक्सपल्सन होना वो। अब जब ये दोनों स्टेज 18 घंटे से ज़्यादा का टाइम ले लेती हैं तब ये कहलाती हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, क्या कहलाएंगी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और जब यही यदि फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर लेस देन 2 आवर, मतलब पहली और दूसरी स्टेज है लेबर की 2 घंटे से भी कम में कंप्लीट हो जाए तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेट लेबर। और जब यदि यही लेबर 18 घंटे से और ज़्यादा का टाइम ले ले, माँ बच्चे की जान पे बन पड़े, तो वो कहलाता फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्लियर। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब 18 घंटे से ज़्यादा यदि फर्स्ट सेकंड स्टेज हो जाए तो वो, और जो प्रेसिपिटेट का मतलब पहले ही, दैट मीन्स 2 आवर में कंबाइंड ड्यूरेशन यदि हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन 2 घंटे से भी कम का होता है तो वो कहलाएगा क्या, प्रेसिपिटेट लेबर। और यदि जब इसी लेबर को होने में 18 घंटे से और ज़्यादा टाइम लग गया, साथ ही साथ माँ बच्चे पे बन पड़ी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, क्लियर, एग्जाम में आती हैं लेबर की 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है 12 आवर की जो प्रीमी मदर होती हैं, फिर हाफ हो जाती है जो मल्टी होगी मतलब जिनकी
एक बार से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है, तो प्रीमी में जो फर्स्ट स्टेज 12 आवर की रहेगी, वो फर्स्ट स्टेज में फिर पहले आती है लेटेंट फेज, दूसरी होती है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज होती है 0 to 4 centimeter, सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कितना होगा 0 to 4 centimeter। फिर होती है एक्टिव फेज, जिसमें 4 to 10 centimeter, 10 centimeter कंप्लीट डायलिटेशन होता है। कंप्लीट डायलिटेशन का मतलब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है, अब क्या होगा, क्राउनिंग होगी, बेबी का हेड आएगा बाहर, बेबी बाहर आएगा, तो वो कहलाएगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि 2 hour और मे बी 30 minutes में कंप्लीट हो जाती है। फुल डायलिटेशन टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस ये कहलाएगा सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में बर्थ टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, बेबी एक्सपल्सन होने के बाद जो प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा वो कहलाएगी क्या आपकी थर्ड स्टेज। फिर आती है लास्ट फोर्थ स्टेज। थर्ड स्टेज यदि जब प्लेसेंटा है विद इन 30 minutes के, जनरली 15 minutes में बहुत प्रीमी मल्टी दोनों में सेम टाइमिंग ही लगती है, जल्दी बाहर आ जाता है 15 minutes, लेकिन 30 minutes से भी ज़्यादा यदि ड्यूरेशन लगता है तब हम इसको क्या कहेंगे कि प्लेसेंटा 30 minutes हो गए हैं अभी भी बाहर नहीं आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में विद इन 30 minutes के भी बाहर नहीं आता है तब ये कहलाएगा रिटेंड प्लेसेंटा, क्या होगा रिटेंड प्लेसेंटा। और जो पोस्टपार्टम हेमरेज हमने पढ़ा है तो इसमें जो प्राइमरी पीपीएच होता है तो इसका मोस्ट कॉमन रीजन तो होता है टॉनिसिटी ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो टॉन्स है उसमें ताकत ही नहीं बची मसल्स में, लेकिन जो सेकेंडरी पीपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन होता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब ये नहीं कि पूरा कंप्लीट जो 500 gram का प्लेसेंटा है वो अंदर रहेगा यूट्रस में, कुछ बिट्स कुछ पार्ट्स क्या रह गए कोटलीडॉन्स ही अंदर रह गए, पर कुछ पार्ट्स अंदर रह गए तो वो कहलाता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड का मतलब होता है थोड़े बहुत पार्ट कुछ अंदर रह गए, तो वो होता है सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन। फोर्थ स्टेज होती है 1 hour की मान लो, तो वो होती है उसमें हमें माँ बच्चे को ऑब्जर्व करना है। क्लियर, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे। ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इट इज टर्म्ड एज, तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप जिसमें लोग अपने सेम रिलेशन ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करते हैं लेकिन आउटसाइड द ग्रुप में शादी करते हैं वो क्या कहलाएंगे, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, कास्ट एंडोगैमी या फिर कास्ट एक्सोगैमी, तो वो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे क्या एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब है कि यहाँ पर जो अपनी सेम ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करेंगे, जैसे हिंदुओं में होता है अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जनरली यही होता है हिंदूज में कि सेम ब्लड रिलेशन में आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन मोमेडियंस होते हैं उनमें आई थिंक मामा के बच्चे को छोड़ के बाकी सभी में शादी हो जाती है, तो यहाँ पर एक्सोगैमी कहलाएगा क्या जिसमें आउटसाइड द ग्रुप आप शादी करते हैं। गोत्र इसमें देखा जाएगा, आप किस गांव से हैं, क्या आपके पिंड हैं वगैरह वगैरह, कितने कुंडली में आपके गुण मिलते हैं, क्या राशि है, सब चीज़ें, तो ये क्या होगी एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होगा कि ऐसी शादी जिसमें विदिन द ग्रुप ही हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा एंडोगैमी। फिर यहाँ पर आपको एक तरीके का क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आता है, वो आता है पैट्रियार्ची जो मैट्रियार्ची, एग्ज़ाम में अभी आई थिंक ANM के पेपर में आया था, यहाँ पे नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। पैट्रियार्ची में का मतलब होगा फैमिली का जो हेड है वो क्या है मेल है, क्या होगा मेल रहेगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में आ सकता है क्या मैट्रियार्ची। फिर यहाँ पर आपको आता है कि जो पर्सन शादी के बाद क्या है शादी के बाद अपने वाइफ के घर जाके रहे तो वो कौन कहलाएगा, कहते तो हम उसको घर जमाइए, लेकिन हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें आपको जो टर्म अपनाना है। क्वेश्चन, क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेट, तो यदि स्टूल का कलर पोटी का कलर क्ले कलर का हो जाए इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर अपर GI ब्लीडिंग के कारण है, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन के कारण है, इन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन या फिर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो ये होगा क्ले कलर का स्टूल जनरली किसके कारण, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, इसके कारण बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो बाइल को जो प्रोड्यूस करने का काम करेगा
बाइल का प्रोडक्शन कंटिन्यू कौन करेगा? लिवर करेगा, लेकिन यहाँ पर ये पूरा स्टोर कहाँ पे जाके होगा? वो होगा गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर के यहाँ से बाइल डक्ट होगी, यदि उसी बाइल डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जो बाइल को कैरी कर रही है, वहाँ पर कुछ भी ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो क्या करेगा? रेक्टम के थ्रू आपका क्या आएगा? बाहर आएगा। तो स्टूल का कलर कैसा होगा? क्लोय कलर का। यदि रेड कलर है, दैट मीन्स स्टूल में क्या है? ब्लड है, और इसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोसेजिया। जब रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड पास हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हेमेटोसेजिया। और जो हेमरॉइड या फिर पाइल्स होगा, जिसको जनरली उनमें देखने को मिलेगा क्या? हेमेटोसेजिया। बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइलरी डक्ट है, वहाँ पर कुछ भी यदि बीच में ब्लॉकेज होगा तो क्या करेंगे? उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन यदि अनट्रीटेड है, तो जो बाइल है कहाँ पर आएगा? आपके एनस के थ्रू बाहर आएगा, तो वो क्या? क्ले कलर। स्टूल का कलर कैसा होगा? क्ले कलर का। दो क्वेश्चन यहाँ पे अब आपके बनते हैं। तो क्ले कलर स्टूल तो किस में हो गया? बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आएगा। लेकिन बाइल का प्रोडक्शन यदि पूछे आपको, दो चीज़ें याद रखें, तो लीवर करेगा, लेकिन बाइल का स्टोरेज पूछे तो वो करेगा गॉल ब्लैडर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज मैनर्स डिसीज इज रिलेटेड टू। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैनर्स डिसीज किससे रिलेट करती है? आई, ईयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो मैनर्स डिसीज है, रिलेट करती है आपके ईयर से। इनर ईयर डिसऑर्डर है। एग्जाम में भी आ सकता है कि मैनर डिसीज ईयर के जो आउटर, मिडिल और इनर ईयर है, कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा? तो ये इनर पार्ट को अफेक्ट करता है, जो वेस्टिवो कोक्लियर पार्ट है उसको अफेक्ट करेगा, जिसमें पर्सन को टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, हियरिंग लॉस होगा। थ्री क्लासिकल ट्रायड्स साइन है। वर्टिगो का मतलब पर्सन प्रॉपर बॉडी बैलेंस नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पर कोक्लियर पार्ट भी अफेक्ट हो रहा है। हियरिंग लॉस होगा, टिनिटस, कानों में घंटियों जैसी आवाज़ें आएंगे कि कुछ रिंगिंग साउंड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिनिटस। ये क्लासिकल थ्री ट्रायड साइन है। किसके? मैनर्स डिसीज के। वर्टिगो, टिनिटस एंड हियरिंग लॉस, और ये इनर ईयर में होने वाली प्रॉब्लम है, और ये जनरली मिडिल एज एडल्टहुड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड। तो स्पेस है जो आर्केनॉइड और पायामेटर के बीच का स्पेस है, वो क्या कहलाएगा? एपिड्यूरल, सब ड्यूरल, आर्केनॉइड या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल। तो ये कहलाता है क्या? सब आर्केनॉइड। क्या है? सब आर्केनॉइड। अब यहाँ पर आर्केनॉइड, पायामेटर, जो ड्यूरामेटर है क्या? तो यहाँ पर लेयर्स होती है, मैनिंग्स। क्या है? एक लेयर है, आपने नाम पढ़ा है मैनिंग्स। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो पढ़ लेते फिर हम मैनिंजाइटिस। वो मैनिंग्स क्या है? कवरिंग लेयर है, जैसे हार्ट की लेयर है, लंग्स के लिए है, एब्डोमेन के लिए है, तो पेरिटोनियल जो लेयर है। तो यहाँ पर ऐसे ही जो मैनिंग्स है वो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर है। अब इसकी थ्री लेयर्स होती हैं, कितनी? तीन लेयर होगी। इनर लेयर को कहते हैं हम क्या? पाया मैटर। मिडिल लेयर कहलाती है आर्केनॉइड, जो कि आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, उस तरीके से रहती है, जिसमें फ्रूट रहेगा, कुशन की तरह काम करेगा। फिर सबसे टफ और आउटर लेयर, बाहरी लेयर क्या कहलाती है? ड्यूरा मैटर। अब इसके बीच का जो स्पेस होता है, आर्केनॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है, वो कहलाता है क्या? सब आर्केनॉइड स्पेस। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने जनरली बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, या फिर आपने देखा होगा कि जो साउंड आता है, आप देख सकते हैं, किसी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि आपने हाथ पैर हिलाएंगे तो चट चट साउंड आएगा आपको। तो वो क्यों होता है? वो होता है साइनोवियल फ्लूड की कमी के कारण। जो फ्लूड है वो आपके फ्रिक्शन में आपकी हेल्प करता है, आपको कुशन की तरह साइनोवियल फ्लूड काम करेगा, लेकिन जब वही फ्लूड कम होने लगता है, तब ये सब प्रॉब्लम्स आपकी क्या होती हैं? क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर यदि आपको ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर पूछे, तो वो है कवरिंग लेयर, मैनिंग्स। फिर इसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुए, तो ये क्या कहलाएगा? मैनिंजाइटिस। इसके जो क्लासिकल साइन पूछते हैं, तो वो है ब्रुजिंस्की, कर्निंग है, नचल रिजिडिटी। फिर यदि इसके लिए आपको कहते हैं कि इसकी लेयर्स कौन सी है मैनिंग्स की, तो होती हैं थ्री लेयर्स, इनर इज पायामेटर, मिडिल इज आर्केनॉइड
और जो आउटर लेयर है वो क्या है, ड्यूरा मैटर, जो कि सबसे टफ लेयर होती है. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू फ्रूट विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स टू द रियलिटी प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल फ्रूट की जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल रियलिटी बेस पर काम करेगा, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या फिर ट्रस्ट. जो प्रिंसिपल रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है वो कहलाता है क्या, ईगो. क्या होगा आपका, ईगो. नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा नर्सिंग का क्वेश्चन एग्जाम में रखा मिलता है आपको, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आर, टारगेट ग्रुप क्या है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लिए. स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 6th to 10th क्लास, स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज इन 10th to 12th क्लास, 8th to 12th क्लास या फिर 6th to 12th क्लास. तो अब जो आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम था, वीकली आयरन फॉलिक एसिड प्रोग्राम था, इसमें टारगेट ग्रुप रखे गए थे एडोलेसेंट एज के गर्ल्स एंड बॉयज जिनकी उम्र 10 से 19 साल तक की रहेगी. अब यहाँ पर 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज हैं अकॉर्डिंग टू WHO के एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो क्या है, वो 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप. अब इस एज ग्रुप में कौन आएगा, तो इसमें आएंगे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के गर्ल्स और बॉयज दोनों. कौन से, 6th to 12th क्लास तक के गर्ल्स एंड बॉयज. और ये प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 2013 से 2014 के बीच में. 25 जुलाई 2013 को राजस्थान में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था. एग्जैक्ट डेट पूछे वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए, तो लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 को राजस्थान में. टारगेट ग्रुप 6th से 12th क्लास तक को आप याद रख सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज, या फिर जो बच्चे या फिर जो गर्ल्स, याद रखें जो गर्ल्स 10 से 19 साल तक की लेकिन स्कूल नहीं जाती हैं उनको जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट है आंगनवाड़ी सेंटर से अवेलेबल हो जाएंगी. ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते नहीं हैं या फिर किसी भी रीजन से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, स्कूल नहीं जाते हैं, तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स ऐसी हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की, उनको आंगनवाड़ी के सेंटर से आपको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट अवेलेबल हो जाएंगी. क्लियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स. तो फीमेल्स में प्यूबर्टी का सबसे पहला साइन क्या है, वॉइस चेंजेस, एक्सिलरी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर मीनार्ची. तो सबसे फर्स्ट साइन क्या है प्यूबर्टी का, किस में, प्यूबर्टी साइन होगा फीमेल्स में होगा ब्रेस्ट बर्डिंग डेवलपमेंट्स, फिर आता है आपका क्या, मीनार्ची, मतलब कि फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते हैं वो. यदि मेल में पूछे तो स्क्रोटम और टेस्टिकल्स की साइज बढ़ेगी, वॉइस चेंज होगी, एक्सिलरी हेयर्स आएंगे. लेकिन फीमेल में प्राइमरी प्यूबर्टी का साइन पूछे, फर्स्ट साइन पूछे तो होता है ब्रेस्ट बर्डिंग डेवलपमेंट. नेक्स्ट होता है फिर मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का आना. इसकी स्टेज होती है थैलार्ची, मीनार्ची. नेक्स्ट वन इज द डोज ऑफ टैबलेट एल्बेंडाजोल एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हेलमिंथस इन्फेस्टेशन इन एडोलेसेंट्स. तो एल्बेंडाजोल कृमिनाशक दवाएं पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाती थी जो जितने भी सेंटर्स होते थे आंगनवाड़ी सेंटर में, अभी भी अवेलेबल होती हैं लेकिन अभी उतना कंपलसरी नहीं है. एडोलेसेंट एज में ही ये जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती थी, तो इसका कितना डोज दिया जाता है, 200 mg, 400 mg, 500 mg की 600 mg. तो एल्बेंडाजोल हमेशा जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा की हो जाए तभी स्टार्ट की जाती है. इसके लिए जो लोकल लैंग्वेज में कहें, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए वो क्या होते हैं, हेलमिंथस इन्फेस्टेशन के लिए जो ट्रीट करने के लिए दवाई दी जाती है, कृमिनाशक दवा जिसको हम कहते हैं, वो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल. तो इसका डोज एडोलेसेंट की बात हो रही तो दिया जाता है कितना, 400 mg, कितना, 400 mg, साल में 2 बार दी जाती है. तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल पहले हर 6 महीने में दी जाती थी, बट नाउडेज उतना कंपलसरी नहीं किया गया है क्योंकि अभी वैसे भी ठीक होते जा रहे हैं. लेकिन यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं, हरियाणा के पेपर में आया था कि कब से
स्टार्ट कर सकते हैं तो आफ्टर 1 ईयर के बाद, 1 साल से कम एज ग्रुप में हम इसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है इम्प्लीमेंट की गई थी एडोलेसेंट गर्ल्स पर, तो किस एज ग्रुप के लिए? 10 से 22 साल, 10 से 19 साल, 16 से 19 साल या फिर 15 से 19 साल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लाई गई थी एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, और अब एडोलेसेंट गर्ल्स कौन सी हैं? तो वो होती हैं 10 से 19 साल तक की। अब इनके लिए स्कीम लाई गई थी तो इसके तहत यहाँ पर पैड, सैनिटरी पैड का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, आफ्टर यूज़ इसको कैसे डिस्कार्ड करना है, ये सभी चीज़ें, पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस, सभी चीज़ों के लिए क्या बताया गया था, स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप पूछते हैं तो वो 10 से 19 साल बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए इस तरीके से डायरेक्ट भी पूछें। एडोलेसेंट एज ग्रुप तो कितना होता है? 10 से 19 साल तक का ही। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्विंग प्लूरा, लिम्फ नोड्स, एब्डोमेन एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो जब ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म हो जाए, बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म है और क्लिनिकली डायग्नोस्ड भी है, दोनों केस में कंफर्म है, प्लूरा को कवर किया, लिम्फ नोड तक हो गई, एब्डोमेन तक हो गई, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट तक हो गई, तब हम इसको कौन सी टीबी कहेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एचआईवी पॉजिटिव, फिर एचआईवी नेगेटिव टीबी। यदि ओनली लंग्स को बस कवर करे ट्यूबरक्लोसिस तो हम उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन ये अदर देन लंग्स के भी इसने बहुत सारे पार्ट्स अब कवर कर लिए, प्लूरा हो गया आपका, लिम्फ नोड्स हो गए, एब्डोमेन होगा, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, इसने इतने सारे बॉडी पार्ट्स कवर किए तो ये कहलाएगा क्या? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टीबी को डायग्नोज करने के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पीपीडी डेरिवेटिव इंजेक्ट किए जाते हैं, वो 10 mm डायमीटर से ज़्यादा फैल जाए, दैट मीन्स आप क्या हैं? टीबी पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर जो माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसकी रीडिंग सही कब आती है? तो पीपीडी इंजेक्ट किया उसके 72 घंटे के बाद, मोस्टली 48 to 72 आवर के बाद ही प्रॉपर और सही एक्यूरेट रीडिंग आती है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। सभी इन्फेक्शन फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं किसी एक को छोड़कर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डायरिया या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो जो इन्फेक्शन फीको ओरल रूट से होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, डायरिया, पोलियोमाइलाइटिस। जो ओरल पोलियो है वो कहाँ से जाता है? वो जाएगा आपको फीको ओरल रूट से ही। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी निडल पे इंजरी से हो सकता है, माँ से बच्चे को है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, हॉस्पिटल में आपको निडल लगने से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड इन्फ्यूज करने से हो सकता है, लेकिन फीको ओरल रूट से है जो क्या नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। हेपेटाइटिस सी होता है तो वो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस ही कहलाता है। नेक्स्ट वन द इलनेस कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी इलनेस हैं जो मच्छर काटने से होगा किसी एक को छोड़कर, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू या फिर सार्स। तो क्वेश्चन देख के सब समझ सकते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू होगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होगा, लेकिन सार्स है जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये किससे होता है? ये होता है वायरस से। तो यहाँ पर आप मार्क किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। तो इनमें से क्या है जो एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज नहीं है? प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या फिर रप्चर ऑफ यूट्रस। टर्म आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। कॉज ऑफ एपीएच नहीं है। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होगा कि
जो 28 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, उसके पहले ही वाया वजाइना ब्लीडिंग होने लगना, तो वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज का रीजन हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, मोस्ट कॉमन कॉज है एंटीपार्टम हेमरेज का प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब जो प्लेसेंटा है सेंटर पार्ट में अटैच ना होके डाउन साइड अटैच हो जाए, लोअर साइड। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा ए बी और रप्चर ऑफ यूट्रस, लेकिन कॉर्ड प्रेजेंटेशन के कारण ए पी एच नहीं होगा। हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ए पी एच जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिलीवरी होने के पहले लेकिन वायबिलिटी है, बेबी बच्चा क्या है जो फीटस है वो क्या है, सही शॉट है, उसके पहले जो वाया वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एंटी पार्टम हेमरेज। और इसका यदि मोस्ट कॉमन कॉज पूछते हैं एपीएच का तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड इन 1 to 3 minutes इन यूनिट बिकॉज, तो कहते हैं कि कॉर्ड क्लैंप लेट कर दो, मतलब जो कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं 1 to 3 minutes डिले कर दिया यदि हमने तो क्या होगा, प्रिवेंट्स एनीमिया इन वुमेन, प्लेसेंटा सेपरेट्स इजीली, प्रिवेंट्स जॉइंटस इन यूनिट्स, यूनिट गेट्स कॉर्ड ब्लड। अब यहाँ पर क्या होगा, लेकिन सभी केस में आप कॉर्ड क्लैंपिंग डिले नहीं कर सकते हैं। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग भी की जाती है कब, जब माँ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो बच्चे में हो सकती हैं, आरएच जो फैक्टर है उसके कारण भी आपको अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है, एचआईवी माँ है तो भी कॉर्ड अर्ली क्लैंप करना है कि बच्चे में ना हो पाए, बच्चे में वो एंटीबॉडी ट्रांसमिट ना हो पाए, तो वैसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है। लेकिन कॉर्ड क्लैंप करते हैं तो जो कॉर्ड में ब्लड है, क्या है, जो कॉर्ड में ब्लड है वो क्या होगा, बेबी को पहुँचेगा। बेबी में वैसे भी 2-2, 3-3 ml 5 ml ब्लड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बेबी को कॉर्ड का ब्लड मिल जाएगा, बेबी एनीमिक होने से भी बच जाएगा। लेकिन सभी केस में आपको अर्ली कॉर्ड क्लैंप या डिले कॉर्ड क्लैंप नहीं करना है। यदि माँ को आरएच फैक्टर्स की प्रॉब्लम है तो आपको अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है एज सून एज पॉसिबल हो, क्योंकि माँ का जो आरएच एंटीबॉडीज़ है वो बेबी में ट्रांसमिट ना हो पाए। यदि माँ को कुछ ऐसी कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है तो बेबी को ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंप करना है। लेकिन यदि इस तरीके का कुछ भी केस नहीं है तो क्या करना है, डिले कॉर्ड क्लैंप करने से जो कॉर्ड में ब्लड है अम्बिलिकल कॉर्ड में वो बेबी को मिल जाएगा। अब आपको अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं हम, तो 45 to 50 centimeters इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इसमें 3 vessels होती हैं टोटल, 2 arteries 1 vein रहेगा, जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, आपको ये चीज़ एग्जाम में आती है वो। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका दूसरा नाम होता है फ्यूनिस, FUNIS। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, तो सिफिलिस के लिए कौन सा कॉजिटिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, सार्कोप्टी, स्केविज, सीरिया, गोनेरिया, ट्रिपनोमा, पैलिडियम। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम बताई गई है ये सभी क्या है, कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है। इसमें कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है, जैसे कि निसीरिया हो गया, एचआईवी हो गया। अब यहाँ पर जो ईच माइट इन्फेक्शन होता है, सार्कोप्टी, स्केविज, ईच माइट इन्फेक्शन होता है उसके लिए है, एचआईवी एड्स के लिए है, सीरिया गोनोरिया गोनोरिया के लिए है। फिर आता है ट्रिपनोमा पैलिडियम, क्या ट्रिपनोमा पैलिडियम, VDRL टेस्ट किया जाता है सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है VDRL टेस्ट किसके लिए होता है, तो होता है सिफिलिस को डायग्नोज करने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसकी कंफर्मेशन बताता है, तो बताता है HIV एड्स की। फिर यहाँ पर आता है कि सार्कोप्टी स्केविज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जनरली स्किड टेस्ट है जो इसके लिए किए जाते हैं। ट्रिपनोमा पैलिडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिफिलिस के लिए। निसीरिया गोनोरिया किसके लिए, गोनोरिया के लिए। नेक्स्ट वन इज वार्निंग साइन ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड परसिस्टेंट कफ, ब्लडी स्पुटम, डिस्निया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स,
यदि किसी को लंग कैंसर हुआ है तो उसको खांसी आएगी, ब्लड स्पुटम आएगा, डिस्निया होगा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और कौन से सिम्टम होंगे, डिजीनेस होगा, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, हाइपोटेंशन होगा कि रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन होगा, क्या देखने को मिलेगा साथ में लंग कैंसर के मरीज में, तो उसको बार बार रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन होगा। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है यहाँ पर फ्लूड का कलेक्शन होना, क्लियर। नेक्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ डायग्नोस ऑफ हॉकिंस लिम्फोमा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑफन इन्वॉल्व्ड। लॉक जो हॉकिंस लिम्फोमा है ये लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला एक तरीके का कैंसर ही है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा, बैक, नेक, चेस्ट या फिर ग्रोइंग रीजन। तो सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड आपके नेक रीजन में ही रहते हैं, और हॉकिंस लिम्फोमा में आप जो डायग्नोस होगा किस एरिया को प्रॉपर तरीके से बता पाएगा तो होगा नेक एरिया को, किसको, नेक एरिया को। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज का ट्यूमर कौन सा है, मैलिग्नेंट का मतलब होगा मेटास्टेसाइज, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा या फिर ग्लूकोमा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सार्कोमा। क्या है, सार्कोमा। नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट। तो मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा यदि उसमें कैंसर हो जाए, तो रेडियल प्रोस्टेक्टोमी, बाइलेटरल ऑर्केक्स्टोमी, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या फिर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर, मतलब ट्यूमर टर्ब्ड या फिर टर्ब। एग्जाम में दोनों आते हैं, टर्ब टर्ब्ड इसका फुल फॉर्म आता है जनरली एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए जो सर्जरी होगी वो होगी रेडियल प्रोस्टेक्टोमी। क्या होगा, रेडियल द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिविएशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट नर्सिंग का जिसमें हेल्थ प्रमोशन करना है, हमें डिसीज होने से बचाना है, और यदि कुछ सफरिंग है तो उसको हमें ट्रीट करके क्या करना है, एलिवेट करना है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हॉलिस्टिक, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यदि माइंड से रिलेटेड पूछे तो वह साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछे तो वह इकोलॉजिकल, अब यहाँ पर पूछा है हेल्थ को लेके तो वो है आपका क्या, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और एलिवेशन ऑफ सफरिंग, यदि डिसीज हुई है तो उसको कैसे ट्रीट करें, सुधारें, तो वो होगा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओबीजी का, क्वेश्चन है सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक अ फोल्डेड अम्ब्रेला, दिस मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन रिफर्ड एज। तो प्लेसेंटा का सेपरेशन यदि, प्लेसेंटा का सेपरेशन यदि क्या हो, स्लाइड डाउन धीरे धीरे हो बर्थ कैनाल, जैसे जो फोल्डेड अम्ब्रेला होता है उस तरीके से, तो ये कौन सी मेथड कहलाएगी, ब्रांट, एंड्रीज मैकेनिज्म, स्लेड्स मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म, प्रिटगेंस मैन्यूवर। तो सभी मैन्यूवर और मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, लेकिन यदि प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है, प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है, तो किस मेथड से बाहर आता है, मतलब कि अम्ब्रेला के जैसे बाहर फोल्डेड होते हुए आएगा, तो ये कहलाएगी स्लेड्स मैकेनिज्म। देखिए यदि आपको सेंट्रल पार्ट से, मतलब अम्ब्रेला के जैसे कह रहे हैं, मतलब ये देखिए सेंट्रल पार्ट से प्लेसेंटा बाहर की तरफ निकल रहा है, सेपरेट हो रहा है सेंट्रल रीजन से, वो कहलाएगी क्या, स्लड्ज मैकेनिज्म। यदि मार्जिनल मतलब कहीं से निकल रहा है, कॉर्नर साइड से निकल रहा है कुछ भी, तो ये क्या कहलाएगा, मैथ्यू डनकन सेपरेशन। क्या है, मैथ्यू डनकन सेपरेशन, और ये ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें क्लॉट के फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर और सब सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड कराने के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए, टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर और सब सेंटर हैं प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए ठीक है, लेकिन रेफरल सर्विसेज दी जाएगी कहाँ पर, या फिर स्पेशलाइज्ड केयर या फिर टर्शरी केयर तो दी जाएगी कहाँ पर, CHC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन PHC और सब सेंटर में ओनली हम प्राइमरी हेल्थ केयर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, यहाँ से रेफर कर सकते हैं कहाँ पर, CHC के लिए। जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो क्या होते हैं, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि 1,20,000 पॉपुलेशन से रहेंगे, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए, जो सब सेंटर हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं 2,000 से 3,000 पॉपुलेशन के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर यदि रेफरल यूनिट पूछे तो वो क्या है, CHC। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द IV साइट इज। तो IV साइट पे आप किस मटेरियल से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अल्कोहल स्वैब से, बीटाडीन स्वैब से, स्टेराइल स्वैब से, कि नन ऑफ दी अबव। जब भी आप IV कैनुला लगाते हैं तो आप प्रेशर करते हैं, यदि कॉटन में आप क्या लगा लेते हैं साथ में, तो आप उसमें स्टेराइल स्वैब यूज़ करेंगे या फिर क्लीन स्वैब यूज़ करेंगे, अल्कोहल नहीं कर सकते हैं, ना ही बीटाडीन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। तो जो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट और माउंटेक्स टेस्ट होता है, इसमें आपकी बॉडी में PPD इंट्राडर्मल रूट के थ्रू इंजेक्ट की जाती है, और हाइपर सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए, किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए इंट्राडर्मल ही मेडिसिन या फिर वो आइटम्स जिससे सेंसिटिव हैं आप रिजेक्ट किए जाते हैं। तो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट में कौन से नंबर की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे आप, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? तो आपको ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट में टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं क्या, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन सी, डिलेड। फर्स्ट को इमीडिएट कहते हैं, जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ही इफेक्टिव होगा, जैसे कुछ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया। टाइप सेकेंड, यदि आपसे पूछते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होगा, तो होगा IgE। फिर आती है साइटोटॉक्सिक, जिसमें IgM IgG रहेगा, और टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो ये भी किसमें, IgM IgG इसमें भी होगा। टाइप फोर्थ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो कि आपको यदि ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट के बारे में पूछते हैं तो क्या होगा, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लिम्फोसाइट्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि क्या करेगा, सेल वॉल और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम की बोरोन डाइऑक्साइड। तो जो आपकी सेल वॉल को और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्या कैल्शियम है, कैल्शियम। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पर होता है, आपकी बोन्स में, किसमें, बोन्स में। नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू डायबिटिक रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इट कम। अब यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर रही है, हेल्थ एजुकेशन यदि किसी को दे रही है, पर्सन को डायबिटीज़ है, तो यहाँ पर आप उसको कैसे बताएंगे कि आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो प्राइमरी में होगा, प्रिमोर्डियल होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा। प्राइमरी में आप ओनली हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी में डायग्नोस किया जाती हैं चीज़ें, सेकेंडरी जो प्रिवेंशन होता है उसमें डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर आता है टर्शरी, टर्शरी का मतलब कि आपको डिसीज़ पता है, डायग्नोस हो गई सेकेंडरी में, टर्शरी में आप उसको ट्रीट करेंगे ताकि किसी होने वाली अनहोनी से, अनहोनी का मतलब कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही कहा है कि डायबिटिक मदर को, यदि आप डायबिटिक पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि आपको अपना खुद का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मॉनिटर करना है, चेक करना है, दैट मींस यहाँ पर आप उसको ये समझा रहे हैं कि आप यदि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करे रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा, वो होगा आपका टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
कौन सा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन 86 में आया है, उसके तहत 14 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों को क्या है, चिल्ड्रन ऑफ और बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन एज पर द चाइल्ड लेबर एंड प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत 14 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, काम पर नहीं लगा सकते हैं, जो कि एक एक्ट है। फिर इसमें अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर इसमें कुछ और 2017 में कुछ चेंज हुए, तो इतने आपको ये सब पढ़ लेने हैं, क्योंकि जो हमारे नर्सिंग में आता है वह नहीं आता है चाइल्ड लेबर एक्ट। आपको एक और एक्ट एग्जाम में आता है, वो आता है पास्को एक्ट। क्या है पास्को एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट। क्या है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट? 2012 में आया था ये। एक इसके लिए है जो चिल्ड्रंस हैं उनको हमें पोर्नोग्राफी और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके लिए लाया गया था। कब? 2012 में। तो पास्को एक्ट के तहत आपको एग्जाम में आता है, पास्को का फुल फॉर्म आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, जिसके तहत जिन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है या फिर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है या फिर कुछ भी परेशान किया गया है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा पास्को एक्ट में। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है पास्को एक्ट के बारे में, 2012 में लाया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप? तो प्राइमरी ग्रुप क्या है? सोशल वर्कर है, लेबर यूनियन है, सिटी है कि फैमिली है? तो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है आपकी फैमिली, जिस परिवार में आप रह रहे हैं। द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन आर, तो हेल्थ प्रमोशन का सबसे ब्रॉड लेवल पर कॉन्सेप्ट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड डिसेबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हेल्थ प्रमोशन का, हेल्थ प्रमोशन का मतलब है हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस। डिसेबिलिटी ये सब आपके प्रमोशन पर नहीं आएंगे, लेकिन अर्ली और सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो आपका हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस होगा। इसके थ्रू आप किसी भी डिसीज़ के होने से, यदि आप किसी चीज़ के बारे में जागरूक हैं, तो आप उस डिसीज़ के होने से बच सकते हैं, किसी हद तक तो आप बच ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ पर्सन वर्किंग एज अ हेल्थ एजुकेटर uses an approach that views health as related to, तो यदि कोई एक हेल्थ एजुकेटर के तौर पर है तो वो हेल्थ को किस वे में लेगा? पैथोलॉजिकल प्रोसेस के, मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशंस के, हेल्थ स्क्रीनिंग के, फिर बिहेवियरल चेंजेस के। तो एक हेल्थ एजुकेटर है, वो क्या करेगा? वो आपको समझा सकता है, ना तो आपकी स्क्रीनिंग कर सकता है, ना ही आपके कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करेगा, ना ही पैथोलॉजिकल प्रोसेस में इंटरप्शन कर सकता है। जो एक हेल्थ एजुकेशन है, जो हेल्थ एजुकेटर का मतलब मैं ही हूँ, आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ में आपके बदलाव लाएगा? बिहेवियर में, बिहेवियरल चेंज में। आप समझते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे, मानेंगे, लेकिन आपको जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारी नर्सिंग का फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा से, अ मदर अराइव्स एट द PSC विथ हर चाइल्ड फॉर अ रूटीन वैक्सीनेशन, द डॉक्टर रिकमेंडेड BCG वैक्सीनेशन आफ्टर एग्जामिनिंग द चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट डू यू डिसाइड गिव द वैक्सीन। तो PSC में यदि कोई बच्चा लाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले डिस्कस करें कि वैक्सीन BCG किस रूट से देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल देंगे, इंट्राथीकल देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे कि सबक्यूटेनियस देंगे? BCG वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मली दिया जाता है। अब यहाँ पर यदि BCG वैक्सीन 1 मंथ तक नहीं दिया गया, तो हम उस बच्चे को कब तक दे सकते हैं? 1 साल की एज तक, बशर्ते वो डोज अलग होगा, 1 महीने तक डोज अलग होगा, फिर 1 महीने से 1 साल की एज तक डोज अलग होगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर के बाद बच्चे में हम BCG वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एज पर रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग BCG नहीं दी जाती और इफेक्टिव भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में क्या है जो डिसीज फ्रिक्वेंसी को नहीं माप पाएगा? इंसिडेंस रेट, केस कंट्रोल प्रिवलेंस या फिर रिस्क रेशियो?
रिस्क रेशियो से पता चलेगा आपको, प्रेवलेंसी से पता चलेगा, इंसिडेंस रेट से पता चलेगा कि नए केस कितने आए, प्रेवलेंस में नए पुराने कितने हो गए, कितने परसेंट पॉपुलेशन रिस्क की जोन में है, तो ये सब आप पता कर सकते हैं। लेकिन केस कंट्रोल है जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में नहीं आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट डिस्क्राइब द मेजर दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फ्रॉम पर्सन टू अनदर। कौन सा मेजर यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होगा। प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर कंटेमिनेशन विद सीक्रेशन, यूज टिश्यू टू कंटेन रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, कवर नोज एंड माउथ वायल स्नीजिंग एंड कफिंग, रिमेन इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम। अब इन चार ऑप्शन में से आप सही आंसर बताना जो नेक्स्ट क्लास होगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली कोल्ड चेन और इम्यूनाइजेशन, उसमें आपको इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।